कोरोना का कहर देश भर में जारी है, जहां देश भर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 700 के पार हो गया है। हरियाणा की बात करें तो 33 तक हो चुका है यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या। ऐसे में राज्य सरकारें दावे कर रही हैं, राज्य सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत तैयारियां की है, लेकिन बढ़ता आंकड़ा लोगों को डरा रहा है। हम अगर गुरुग्राम की बात करें, यहां 11, पानीपत में 4, फरीदाबाद से 2, पलवल, पंचकुला, सोनीपत से 1-1 संक्रमण का मामला अब तक सामने आ चुका है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों के सामने आर्थिक संकट आ चुका है और आर्थिक संकट और काम नहीं होने की वजह से प्रवासी मजदूर घर लौटने के लिए मजबूर हो चुके हैं। संसाधन नहीं होने की वजह से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं और कोई साधन नहीं मिल रहा तो पैदल ही निकल पड़े हैं। अब ऐसे में सरकार सवाल उनके सामने है कि आखिर सरकार इन प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कर रही है? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं? अगर सुविधाएं दी जा रही हैं तो ये अभी भी पैदल चलने के लिए क्यों मजबूर है? और अगर हम संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें, हरियाणा में 33 संक्रमित मरीज हरियाणा में है, जिनमें से अलग अलग इलाकों से ये मरीज सामने आए हैं। हिसार से हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। महेश, हम देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर पैदल निकल पड़े हैं, अगर सरकारें तैयारी कर रही हैं, अगर सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नंबर दे रही हैं, तो यहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या सरकार सिर्फ टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है? क्या सिर्फ वेब पोर्टल पर है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग पैदल नहीं निकलते। कल भी गोहाना से कुछ लोग आ रहे थे, तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने समझाया और तब शेल्टर होम गए हैं। तो कहां लूपहोल है, क्यों नहीं भर पा रहा है? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है, अभी तक हिसार और सिरसा को लेकर ये बात कही जा रही थी कि प्रवासी मजदूर यहाँ किसी परेशानी की हालत में नहीं है, यहाँ जो है जिंदगी उनके लिए आसान है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हाईवे पर मुझे काफी सारे मजदूर इस वक्त मिले हैं, हम खुद इस वक्त हाईवे पर मौजूद हैं, तमाम उन मजदूरों के हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा और कुछ इलाकों में हिसार, तमाम ऐसे लोग जो किराए के कमरों पर रह रहे थे, उन्हें किराए के कमरों से निकाल दिया गया है और किराया ना दे पाने की वजह से वो तमाम लोग प्रवासी मजदूर का अपने अपने किराए के कमरों से बाहर निकाले जा चुके हैं, इस वक्त सड़क पर हैं भूखे। उनकी स्थिति जो है, दो दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ लोगों को हमने अपनी तरफ से खाना खिलाने की कोशिश की है, लेकिन तमाम इतने ज़्यादा लोगों को खाना खिला पाना शायद हमारे लिए भी मोबिलिटी में मुमकिन नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रवासी मजदूर सिरसा और हिसार से भी निकाले गए हैं, हालांकि दिल्ली जितनी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 50-60-100 की संख्या में जो मजदूर हैं वो सिरसा और हिसार से इस वक्त हाईवे पर मौजूद हैं, दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं, वहां से यूपी के बदायूं के और आसपास के इलाकों में तमाम इन मजदूरों को पहुंचना है। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हम जब आज ऑफिस आ रहे थे NH24 पर हमने ये तस्वीर देखी कि लोग पैदल निकल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारें नजर आ रही हैं, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए उनके कामकाज की, लेकिन वहां कोई क्यों नहीं है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कीपैड फोन है, ऐसे में उनका कौन समझाए, कौन बताए कि भाई आपके लिए नंबर जारी कर दिया है, आपके लिए व्यवस्था कर दी है, आप इस पर कॉल कीजिए और वहां पहुंच जाइए। तो इन NH24 पर या कोई भी हाईवे पर जहां से प्रवासी मजदूर गुजर रहे हैं, वहां कोई सरकार का नुमाइंदा क्यों नहीं है उनको समझाने के लिए कि यहीं रुक जाइए, आपके लिए तैयारियां सरकार ने कर दी हैं? देखिए, उनकी मनोदशा को मैंने समझने की कोशिश की, उनकी तरफ से जो बात सामने रखी गई, मैंने उनसे कहा कि आप हिसार में रखिए, रुकिए, तमाम लोग हम खाने की व्यवस्था आपके लिए करवाएंगे, आपके ठहरने की व्यवस्था करेंगे, आप यहाँ किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी, आप सोशल डिस्टेंसिंग आपस में बनाए रखिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं तमाम लोगों के खाने की ठहरने की। लेकिन जो मनोदशा मैंने समझने की कोशिश की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारा परिवार भी परेशानी की हालत में है, ऐसी मुश्किल वक्त में वो अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते हैं, उन्हें अपने परिवार की भी चिंता है और यही जो सबसे बड़ी वजह है वो सामने आ रही है। दूसरी बात, उनकी तरफ से जो रखा गया, उन्होंने कहा कि 3 महीने कम से कम लगेंगे, उन्हें नहीं लगता कि 21 दिनों में हालात सामान्य हो सकते हैं और 21 दिनों के बाद भी अगर इसी तरीके की परिस्थितियों का सामना देश को करना है तो आखिर वो अपने परिवार से दूर और इन मुश्किल हालातों में जब उनके परिवार को भी उनकी जरूरत है, वो कितना दूर रह सकते हैं? दोनों तरफ की है, भावनात्मक भी है, मजबूरियां भी है, परिवार की चिंता भी है। ऐसे में जब हम लोग जिम्मेदारी ले रहे थे कि हिसार जिला प्रशासन से
हम आपकी पूरी व्यवस्था करवाएंगे, आप यहाँ ठहर सकते हैं, लेकिन इनकार किया गया। परिवार के लोगों की चिंता उन्हें सता रही थी और साथ ये भी कि आप कितने दिन ठहराएंगे, लगता है कि कम से कम 3 महीनों तक ये जो परिस्थितियां देश में बदलने वाली नहीं है, ऐसे में लंबा अंतराल है और परिवार की चिंता है, रोजी रोटी नहीं है, किराए के कमरों से बाहर निकाल दिया गया है, साधन उनके पास नहीं है। हिसार पुलिस में कुछ होमगार्ड्स ने अभी ये जरूर हमें कहा कि उन्होंने अपने खाना देने की कोशिश उनको परिवार की चिंता सता रही है, लेकिन वो इस खतरे को नहीं भाग पा रहे हैं कि अगर उनमें से किसी को भी संक्रमण हुआ और उनमें से कोई भी परिवार तक पहुंचा तो उनके परिवार के लिए दोहरी मुसीबत होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। परिवार की चिंता जो है सता रही है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उनमें से किसी एक को भी संक्रमण हुआ और परिवार तक पहुंच गया तो सरकार और उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है।